हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द प्रो सो प्रो के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में एंड जिसके अंदर हम सेल uh, स्ट्रक्चर उसका कि जो प्रो कैरियोटिक सेल जो हम कहते हैं उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे फिर फंक्शन ऑफ इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स एंड उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं लाइक उसके अंदर जो सेल वॉल होती है उसका फंक्शन देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में देखेंगे व्हाट इज़ द न्यूक्लियोइड फिर साइटोप्लाज्म क्या है व्हाट इज़ द रिबोजोम फिर व्हाट इज़ द पाइलस फ्लैजेलम वगैरह के बारे में हम जानेंगे फिर कैप्सूल क्या है तो वो सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे आज के ये वीडियो लेक्चर में ऑफ दिस प्रोकैरियोट्स सो so, उसका ऑर्गेनाइजेशन जीनेटिक्स उसके एग्जाम्पल्स एंड सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज वगैरह आपको फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन पर से अब मिल जाएगी तो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एप्पल आईफोन अपॉन ऑन एप स्टोर सो गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर दोनों पर से आपको फार्मारॉक्स की एप मिल जाएगी गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो जैसे स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर एज वेल एज स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा फार्मारोक्स की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर सो मस्ट डाउनलोड दिस ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉइडपीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आई फोन एप ऑन एप स्टोर एंड यू विल फाइंड टेस्ट रिजल्ट प्रॉपर रिजल्ट एंड गेट योर रैंक बेज ऑन योर परफॉर्मेंस इन टेस्ट सीरीज सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रो कैरियोट्स तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉट इज प्रो कैरियोटिस या फिर प्रो कैरियोट्स तो प्रो कैरियोट्स क्या है वो ऑर्गेनिजम कौन से टाइप की होती है और उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो हम जानते हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की व्हाट इज प्रो तो प्रो आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कि जैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होती है कि उसमें भी जो हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पृथ्वी पर जो प्रेजेंट है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अवर अर्थ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है दैट हैज नाइदर ए डिस्टिंक न्यूक्लियस विथ ए मेम्ब्रेन नॉर अदर स्पेशलाइज ऑर्गेनल्स मतलब कि सबसे सिंपल सेल सबसे सिंपल सेल स्ट्रक्चर जो हम कहें तो वो बनता है ये प्रोकैरियोट्स के सेल का और जिसको हम कहते हैं प्रो कैरियोटिक सेल जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल तो सबसे सिंपल सेल स्ट्रक्चर बनता है ये प्रोकैरियोटिक सेल का एंड उसके अंदर जो यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं इस तरह से अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रिजेंट है तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और वो है उसके एग्जांपल बैक्टीरिया एंड आर्चिया तो ये दो एग्जांपल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए अच्छे से याद रखने हैं रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिस तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर हम जो अलग अलग उसके पार्ट्स देखें तो एज पर दिस डायग्राम यहाँ पे नीचे जो आपको टेल लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर कि जहाँ पे मैं ये रेड कलर से लाइनिंग कर रहा हूँ तो ये पूरा पार्ट कि जो एक टाइप के टेल जैसा स्ट्रक्चर है टेल लाइक स्ट्रक्चर तो टेल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं फ्लैजेलम या फिर फ्लैजेला भी कहा जाता है और वो यूजफुल है मूवमेंट के लिए कि वो इम्पोर्टेंट है कि जब आपको ये जो सेल ऑटोमेटिकली मूवमेंट कर देगा एक बैक्टीरिया सेल है तो ये बैक्टीरिया अपनी जो मूवमेंट करेगा क्योंकि वो बैक्टीरिया एक ही सेल का बना हुआ है बिकॉज इट कंटेंट द सिंगल सेल तो सेल के अंदर ही ये बैक्टीरिया का हो या फिर उसका सेल का हो दोनों सेम ही है बिकॉज एक ही सेल इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेल इसके अंदर है फिर सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाती है ऑर्गन बनाती है ऑर्गन सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर इट कंटेंट ओनली वन सिंगल सेल सिर्फ क्या है वन सिंगल सेल इज इक्वल टू वन ऑर्गेनिज्म और वो ही कहे जाते हैं ये प्रोकैरियोट्स तो प्रोकैरियोट्स ऐसे कि उसके अंदर एक ही सिंगल सेल होता है और एक सिंगल सेल बराबर एक ऑर्गेनिज्म और वो समझो कि हम कहें कि एक बैक्टीरिया है एक आर्चिया है तो इस तरह से एक ही सिंगल सेल वाला ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आप देखते कि तो कि ये ब्लू कलर के जैसे राउंड राउंड दाने जैसा जो आपको दिख रहा है तो वो है रिबोजोम ये है रिबोजोम मतलब कि एक ही ऐसे ऑर्गेनल है कि जो एनिमल uh, सेल और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है कि जो है रिबोसोम फिर साइटोप्लाज्म तो किसी भी सेल के अंदर होता है देन यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है कि जिसको जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर प्रेजेंट है डीएनए फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करेगा सेल वॉल और सेल वॉल के भी आसपास बैक्टीरियल कैप्सूल होती है कि जो प्रोटेक्शन के लिए जरूरी हो और कैप्सूल के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये पाइलस एंड फ्लैक्लम लगे तो पाइलस भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है कि जैसे आप देख सकते हैं ये जो हेयर हो ऐसा आपको लगेगा तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर और ये फ्लैक्लम मतलब कि टेल लाइक -like स्ट्रक्चर है तो हेयर और टेल दोनों यहाँ पे उसको हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर फिर जब कॉन्जुकेशन की प्रोसेस होती है तो उस वक्त ये पाइलस के अंदर जो सेक्स पाइलस होते हैं वो हेल्प करते हैं जीनेटिक मटेरियल को वन बैक्टीरियम सेल से दूसरे बैक्टीरियम सेल में ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोसेस हम कहते हैं कॉन्जुगेशन की कि जो हमने कॉन्जुगेशन सीखा था कि जब ऐसे दो सेल एक दूसरे के पास आते हैं एंड पाइलस के थ्रू जीनेटिक मटेरियल को एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज करते हैं तो ये है प्रो कि जो सबसे सिंपल और सेल स्ट्रक्चर एक ही सेल बराबर एक ऑर्गेनिज्म तो ओनली वन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डोमेन बैक्टीरिया क्या जस्ट एक एग्जांपल लो आपके आपके पास है कोई ई कोलाई बैक्टीरिया आपके पास है कोई ये ई कोलाई बैक्टीरिया तो ई कोलाई बैक्टीरिया की जब आप स्टडी करोगे तो उसके अंदर आपको एक ही सेल जो है वो देखने को मिलेगा और वो वन सेल इज इक्वल टू वन बैक्टीरिया इज इक्वल टू वन E. कि एक एक बैक्टीरिया है तो एक ही सेल है बराबर एक दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया एंड आर प्रो उसको हम कहते हैं प्रो मतलब कि बिफोर प्रो का मतलब है बिफोर एंड कैरी इट मींस द न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस अच्छे डेवलप हुए उसके पहले की कंडीशन बिकॉज जो डेवलप सेल होते हैं प्लांट और एनिमल सेल तो उसके अंदर सबसे पहले यह है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जीनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के आसपास उसका होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसका क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर उसके आसपास अलग अलग ऑर्गेनल्स तैयार होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोलगिया पार्टस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं रिबोजोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सब के आसपास ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी होती है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के पास के बाहर होता है ये सेल मेम्ब्रेन या फिर उसके कंप्लीटली बाहर होगा सेल वॉल तो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो सेल होते हैं एनिमल और प्लांट सेल जिसको कहा जाता है यू कैरियोट्स जिसको हम यू कहते हैं या फिर यू कैरियोटिक सेल कि यो कि जो है आफ्टर न्यूक्लियस की कंडीशन कि एक्लियस डेवलप होने के बाद जो सेल डेवलप हुए वो हो गए यू कैरियोट्स बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बट कि जब ऐसे वेल डेवलप न्यूक्लियस डेवलप हुआ उसके पहले जो एक टाइप के सिंपल सेल थे और वो अभी भी मौजूद है और वो हम देखते कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जैसे बैक्टीरिया है वायरस है आर्सिया, फंगाई बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जो प्रो कैरियोट से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है कि जिसके अंदर एक ही हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि वन सेल इज इक्वल टू वन माइक्रोब इज इक्वल टू वन बैक्टीरिया तो ये एक फंडा आप माइंड में क्लियर करके चल सकते हैं एनोटेशन हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आगे सीखते हैं इसके अंदर कि दे डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस इन स्ट्रक्चर तो यह है आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा आई एम पी पिन पॉइंट बहुत बड़ा आई एम पी पिन पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रो और प्रो कैरियोटिक सेल तो उस वक्त आपको यह पॉइंट दिया कि दे ड नॉट कंटेन द न्यूक्लियस इन स्ट्रक्चर तो ये पॉइंट आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि ये सेंटेंस उसके लिए ट्रू है या फिर फाइंड आउट द फॉल्स वन लिखा हो और ऐसा कि दे कंटेन द न्यूक्लियस इन स्ट्रक्चर तो उस वक्त आपको जब फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना हो तो फॉल्स समझो कि यही को इसी पॉइंट को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता देता हूँ तो समझो कि आपको ये वाला पॉइंट दिया है मैंने पी ये वाला है क्यू ये वाला आर और ये एस है तो उसमें मैं आपको पी क्यू आर एस पैटर्न से चार अलग अलग क्वेश्चन डिजाइन करके दे रहा हूँ और एस के अंदर में ऐसा कर देता हूँ नॉट के बजाय में दे डस कंटेन न्यूक्लियस इन स्ट्रक्चर और ऐसा में मैंने आपको दिया है कि फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन ऑप्शन तो उस वक्त आप फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा रिलेक्ट करेंगे एस वन प्रो मींस बिफोर कैरी मीन्स न्यूक्लियस ये भी करेक्ट है ये भी भी बट ये वाला पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है कि दे डज कंटेन न्यूक्लियस तो ये वाला जो पॉइंट है वो गलत कहेंगे बिकॉज सही सेंटेंस ये है कि दे डज कंटेन न्यूक्लियस इन स्ट्रक्चर तो इस तरह से पिन पॉइंट आपको खास ध्यान रखने हैं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर कि प्रोकैरियोटिक सेल अब जानते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ब्लू ग्रीन अलगे बैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्मा आल्सो द आर्चिया अमोंग प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट जितने भी अलग अलग प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर बैक्टीरिया काफी पॉपुलर है एंड ये जो बैक्टीरिया है मोस्ट कॉमन है और उनकी जो ग्रोथ है वो काफी फास्ट होती है जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे थे कि ये जो एक है ये है एक टाइप का बैक्टीरियल सेल तो सेल ही है वो बैक्टीरिया बिकॉज दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दे आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं और ये एक ही जगह पे ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए और कॉन्टेमिनेसन करते हैं कि जब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो कॉन्टामिनेसन करते हैं एज वेल एज इन्फेक्शन करते बट समझो कि वो यूजफुल है तो अलग अलग प्रोसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं टू डेवलप द वेरियस एंटीबायोटिक वैक्सीन एंजाइम्स प्लस uh, जो अलग अलग बेवरेजेस प्रोडक्ट को भी डेवलप करने के लिए फिर हम उसको यूज करते हैं सो दे आर सिंगल सेल एंड रेंज इन साइज जीरो पॉइंट टू टू टेन माइक्रॉन्स ये उसकी साइज आप अच्छे से याद रखिए एंड अबाउट टेन टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल के जो प्लांट सेल होते हैं एनिमल सेल होते जिसको हम यू सेल कहते हैं उसके कंपेयर में ये टेन टाइम्स स्मॉलर होते हैं कि समझो कि जस्ट विजुअली में आपको दिखाऊं कि ये वाला जो सेल है वो समझो कि प्लांट या फिर एनिमल सेल है तो उसके कंपेयर में उससे दस गना छोटा एकदम इतना सा ये जो होगा ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल और ये बन जाएगा फिर यू कैरियोटिक सेल बिकॉज ये सिंगल सेल है उसके अंदर ना ही कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना ही ऐसे बहुत ज्यादा एर्गनल्स है जिसके कारण इसकी जो साइज है वो टेन टाइम्स रहेगी लेस स्मॉलर रहेगा तो ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इसको आपको अच्छे से याद रखना है आगे सीखते हैं अब कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन से मेन ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है तो सबसे पहले सेल वॉल आप डायग्राम के साथ ही चलिए तो इजीली समझ आ जाएगा कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है समझो कि मैं यहाँ पे एनोटेशन करता हूँ बैक्टीरियल सेल है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है बिकॉज वो भी क्या है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो सबसे पहले आप देखो उसके बाहर की ओर। यह है उसकी सेल वॉल की यह वाला जो पोर्शन है दिखाया है कि जो डार्क ऑरेंज जैसा कलर जो आपको दिख रहा है डार्क ऑरेंज जैसा कलर तो वो है सेल वॉल फिर सेल वॉल के ठीक नीचे कि ये वाला जो आप लेयर देख सकते हैं ये जो मैंने दिखाया है ये पेन से जो मैं कर रहा हूं रेड तो वो समझो कि सेल वॉल है तो सेल वॉल के कम्प्लीटली नीचे का जो लेयर है वो बन जाता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन बिकॉज सेल के आसपास आई हुई जो भी मेम्ब्रेन है वो हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन आर यहाँ पे लिख लेते रह गया है सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत आर सेम फिर ये जो फ्लोइड जैसा है कि जिसके अंदर ये सब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है कि लाइक ये रिबोजोम है प्लस ये क्रोमोजोम प्रेजेंट है तो क्रोमोजोम रिबोजोम जैसे ऑर्गेनल जिस फ्लूड के अंदर प्रेजेंट होती है वो बन जाता है ये साइटो तो उसके बाद है ये साइटोप्लाज्म फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रिबोसोम और अदर ऑर्गेनिज़म्स लाइक जीनोम और जीनेटिक मटेरियल जिसके अंदर इंक्लूड है डीएनए और आरएनए या फिर आप लिख सकते हैं क्रोमोज़ोम कि बैक्टीरिया के जो क्रोमोज़ोम होते हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो बस इतने ही ऑर्गेनल्स उसके अंदर प्रेजेंट है या फिर उसका स्ट्रक्चर देखें हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे कि उसके अंदर मोमेंट के लिए एक टेल लाइक स्ट्रक्चर देते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लैजेलम या फिर उसको फ्लैजेला कहते हैं या फिर ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि चारों ओर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते कि उसके कैप्सूल के ऊपर तो उसको हम कहते हैं पाइलस तो इस तरह से बन जाता है कोई प्रोकैरियोटिक सेल सबसे सिंपल वन सेल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की जिसको हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स एंड उसके सेल को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल तो सभी को आप डिटेल में जानते हैं सबसे पहले कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल या फिर दूसरे वर्ड में हम समझे तो बैक्टीरियल सेल वॉल तो ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरियल सेल वॉल का है यहां से लेकर यहां तक ये यह पूरा क्या है उसकी सेल वॉल ये पूरी सेल वॉल है तो उसके अलग अलग लेयर्स बनते हैं तो सबसे सेंटर में जो लेयर है उसका ये वाला आप देखो तो ये उसका मेन सेंटर लेयर फिर जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर की ओर वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कहते हैं हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या फिर इनर मेम्ब्रेन भी कहते हैं प्लस बाहर की ओर एक आउटर मेम्ब्रेन है कि जहां पे पोरिन प्रेजेंट है ये वाला कि ये जो हम ब्लू कलर का ये जो देख रहे हैं वो पोरिन फिर लिपो प्रेजेंट है वहां पे ओ एंटीजन प्रेजेंट है लिपिड ए इसी के कारण जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ये ओ एंटीजन को हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई कर लेती है और ये एंटीजन के सामने एंटीबॉडीज जो है फॉर्म करना स्टार्ट करती है फिर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड भी होता है म्यूरिन लिपोप्रोटीन भी होता है एंड जो सेल वॉल है वो बनी होती है पैप्टीडोग्लाइकन की सेल वॉल तो एम सी क्यू के लिए ये क्वेश्चन बनता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल कौन से मटेरियल की बनी हुई है द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल पैप्टीडोग्लाइकेन एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड द प्रॉपर स्ट्रेंथ टू दैट पर्टिकुलर सेल एंड टू प्रोवाइड द प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर टू पर्टिकुलर बैक्टेरियल सेल तो बैक्टीरियल सेल्स लेक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस लेक या फिर डेफिशेंसी का है और दे डू नॉट कंटेन दे डू नॉट कंटेन ये उसका सिंपल मीनिंग है क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट कंटेन्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज पैप्टीडोग्लाइके और म्यूरिन मेजर कंपोनेंट कि कोई भी आप बैक्टीरियल सेल की स्टडी करोगे तो उसका मेजर कोई कंपोनेंट्स होगा वो रहेगा पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो म्यूरिन लिपोप्रोटीन है प्रेजेंट एंड ये जो ब्लू कलर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे वो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल दिस रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइके स्पेसिफाई ओनली टू प्रो कैरियोट्स गिव द सेल सेफ एंड सराउंड साइटोप्लाज्मिक मैम्ब्रेन कि उसके नीचे आया हुआ जो साइटोप्लाज्मिक मैम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है एंड प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर है कि जो क्या देता है सेल को सेप गिवस द सेल सेप की जो सेल को सेफ देने का काम करती है ये सेल वॉल अगर सेल वॉल आप ब्रेक डाउन कर देते हैं एक बार तो वो बैक्टीरिया भी फर्दर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो इसीलिए जब हम फार्माकोलॉजी के अंदर जब पढ़ेंगे कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की जो मेकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की मेकेजम तो उस वक्त हम जो भी मेडिसिन बनाते हैं उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती है एंटी बैक्टीरियल कि जो सेल वॉल को टारगेट करती है और सेल वॉल को जब आप डैमेज कर देते हैं तो फर्दर सेल भी डैमेज होता है और आगे जाके वो बैक्टीरियल सेल कम्पलीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है कील हो जाता है एंड वो मेडिसिन की इफेक्टिव साबित होती है तो ये है मेन बेसिक कि जब आपको ये बेसिक अच्छे से क्लियर होगा तो फार्माकोलॉजी के अंदर आपको एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या फिर एंटी बैक्टेरियल ड्रग की मिकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने में काफ़ी ईजी रहेगा आगे सीखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब कि हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा ये सेल वॉल तो सेल वॉल देख ले कि वो पैप्टीडोग्लाइकेन की बनी हुई सेल वॉल है म्यूरिन उसके अंदर है सेप देने का काम कर रहा है अब उसके नीचे आई हुई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल्स दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट मस्ट ये पॉइंट समझिए एम सी क्यू के लिए है आपके लिए ये कि जो फंक्शन है वॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फाउंड इन ऑल सेल वो तो हमें पता है बट क्या करता है वो तो सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट कि ये आपका सेल है तो सेल के अंदर जो एनवायरमेंट है उसको हम कहेंगे इंटीरियर तो इंटीरियर है उसके आसपास ये एक मेम्ब्रेन है पूरा कि जिसको हम सेल का मेम्ब्रेन कहते हैं और अब बाहर की ओर जो है वो आउटर एनवायरमेंट है या फिर आउटसाइड एनवायरमेंट तो दोनों को जो सेपरेट करने का जो काम करता है वो है ये मेम्ब्रेन अगर समझो कि ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है तो इनर और आउटर सेम हो जाते हैं बट ऐसा ना हो इसलिए प्रॉपर जो है सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है और किसकी बनी होती है वो भी हम जानेंगे तो सेल वॉल इज एटेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन इट्स आउटसाइड सरफेस कि समझो कि ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन में जस्ट आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन का तो ये उसका इनसाइड पोर्शन है और ये उसका आउटसाइड का पोर्शन है तो ये आउट साइड के पोर्शन के पास ये जो है सेकंड लाइन वो है उसकी सेल वॉल और सेल वॉल के ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन का जो इनसाइड है वो ऑर्गेनल्स की ओर रहेगा बट आउटसाइड है द सेल वॉल इज अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन इट्स आउटसाइड सरफेस कि सेल वॉल अटैच है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन इट्स आउटसाइड सरफेस कि जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो आउटसाइड का जो ये पोर्शन है वहाँ पे ये जो सेल वॉल है उसके साथ अटैच है तो वो हम जानते ही है कि सबसे ऊपर समझो कि कैप्सुलेटेड कोई सेल है कैप्सुलेटेड कोई बैक्टीरिया है तो कैप्सूल होगी उसके आसपास बट जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है तो उसके आसपास सबसे पहले सेल वॉल ही होगी और सेल वॉल के नीचे का लेयर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसका काम क्या है वो आप जान लो आप तो वो करता क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन तो रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंटरिंग एंड एक्सिटिंग द सेल कि समझो कि कोई मटेरियल यहाँ से बाहर जा रहा है या फिर कोई मटेरियल बाहर से अंदर आ रहा है तो जो ट्रांसपोर्ट का जो रेगुलेशन है कि कोई ड्रग मॉलिक्यूल या फिर कोई न्यूट्रिशन कोई प्रोटीन कोई जीनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर उसके अंदर से बाहर जा रहा है और ये अंदर ऐड हो रहा है तो इन और आउट की जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का जो काम है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अब जानना जरूरी है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस मटेरियल की बनी हुई है तो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेनस आर कंपोज ऑफ फॉर्टी परसेंट फॉस्फोलिपिड कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है या फिर उसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो वो बनी है फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट है उसके अंदर फॉस्पोलिपिड एंड सिक्सटी परसेंट उसके अंदर है प्रोटीन तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि उसका जो कंपोजिशन कैसे तैयार होता है फोर्टी सिक्सटी का इसके अंदर कंपोजिशन है फोर्टी परसेंट फॉस्पोलिपिड एंड सिक्सटी परसेंट उसके अंदर है ये प्रोटीन तो ये कंपोजिशन सबसे पहले याद रखो बेसिक उसके बाद जो फॉस्पोलिपिड है एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है फॉस्पोलिपिड वाला जो साइड है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है एम्फीफिलिक इन नेचर विथ ए पोलर हाइड्रोफिलिक ग्लिसरॉल हेड कि ग्लिसरॉल के हेड बने हुए उसके ऊपर कि ये देखो ये यह फास्फोलिपिड यहाँ पे दिखाया गया है तो फास्फोलिपिड के जो हेड्स है वो हाइड्रोफिलिक ग्लिसरॉल है अटैच वाया एन एस्टर बॉन्ड टू द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड और वो फैटी एसिड के साथ अटैच होते हैं विच नेचुरली फॉम ए बायर इन एक्वियस एनवायरमेंट्स कि आप देख सकते हैं ये है फॉस्पोलिपिड ये पिंक कलर का ये पूरी चैन देखो ये पिंक कलर सेम लाइक दैट ये साइड भी ये और बीच में जो है वो लिपिड है बीच में सेंटर में लिपिड है और आजू बाजू है ये ग्लिसरॉल कि ये जो हेड बन जाते हैं हाइड्रोफिलिक है और जो नीचे का टेल का जो पोर्शन बनता है उसका वो है फैटी एसिड की टेल कि जो है हाइड्रोफोबिक इन नेचर तो फिर से समझ लो आ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका ये जो हेड है दिस इज द हेड और नीचे की ओर ये देखो ये टेल आ रही है ये वाले भी नीचे टेल इस तरह से ये जो जैसे सैंडविच होती है ऐसे स्ट्रक्चर बनता है कि ऊपर हेड नीचे भी हेड उसका ये पूरा ये पूरा लेयर ये पिंक कलर का कि जो फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड आर एम्पीफिलिक इन मॉलिक्यूल विथ ए पोलर हाइड्रोफिलिक ग्लिसरॉल हेड और ये जो है ग्लिसरॉल के उसके हेड एंड उसके अंदर की ओर है हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड की टेल और ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है वो बनता है फिर फॉस्फोलिपिड का कि जिसके अंदर ग्लिसरॉल भी है एंड फैटी एसिड है विच नेचुरली फ्रॉम ए बाय लेयर इन एक्वियस एनवायरमेंट कि ये जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं बाय लेयर कहते हैं तो यह है उसका स्ट्रक्चर उसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है ऑलिगोसैकेराइड भी अटैच होते हैं ग्लाइकोलिपिड उसके साथ अटैच होते हैं Hepenoids भी अटैच होते हैं एंड पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन दोनों उसके साथ अटैच होते हैं तो ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं 40% परसेंट फॉस्पोलिपिड एंड 60% परसेंट प्रोटीन की ये जो आप अलग अलग प्रोटीन्स देख रहे हैं पेरिफेरल प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन तो 60 परसेंट जितना प्रोटीन रहता है फोर्टी परसेंट फॉस्पोलिपिड रहता है उसके टोटल स्ट्रक्चर के अंदर अब बात है साइटोप्लाज्म की तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल इज लाइक मैट्रिक्स कि जैसे जेल लाइक मैट्रिक्स होता है ये साइटोप्लाज्म जेल लाइक एक टाइप का फ्लूइड कह सकते हैं हम उसके अंदर क्या है अब देखो कंपोज़ ऑफ़ 80% परसेंट ऑफ वाटर उसके कंपोज़िशन में 80% परसेंट जितना वाटर है फ्लूड है इसलिए 80% परसेंट जितना उसके अंदर प्रेजेंट है ये वाटर प्लस उसके साथ अटैच मिक्स अप है ये जो वाटर के समझो कि वो काम करता है सॉल्वेंट का तो ये सॉल्वेंट या फिर वहीकल के अंदर अलग अलग दूसरे इंग्रेडिएंट्स के जैसे कि एंजाइम्स है न्यूट्रिय वेस्टिस गैसेस इनऑर्गेनिक आयंस एंड मैनी लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स एंड सेल स्ट्रक्चर्स सच एज रिबोजोम क्रोमोजोम न्यूक्लियोइड एंड प्लाजम आर अवेलेबल इन दैट साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर जितने भी अलग अलग ऑर्गेनल्स एज वेल एज जो न्यूट्रिशनल फैक्टर एंजाइम वाटर वेस्ट मटेरियल गैसेस इनऑर्गेनिक आयन सब कुछ उसके अंदर मिक्सअप होता है और उसका जो कंपोजिशन बनता है उसके अंदर मैक्सिमम 80 परसेंट जितना वाटर होता है और जेल लाइक मैट्रिक्स जो है वो तैयार होता है जो हम कहते हैं ये साइटो के जो पूरा आ, में जो कलर कर रहा हो वो जो पोर्सन कि जिसके अंदर ये अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है कि लाइक रिबोजोम भी उसके अंदर है क्रोमोजोम भी है और न्यूक्लियोइड जो हम कहते हैं कि जो हमारा जीनेटिक मटेरियल है वो सब उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अब बात है रिबोसोम की रिबोसोम से भी आ, काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि द प्रो कैरियोटिक रिबोजोम्स कंटेंट थ्री आर एन ए स्ट्रेंड एंड फिफ्टी टू प्रोटीन सब यूनिट अच्छे से उसका आप क्लासिफिकेशन देखिए कि प्रो कैरियोटिक के जो रिबोजोम होते हैं उसके अंदर क्या है टोटल थ्री आर की स्ट्रैंड है प्लस उसके पास कितने प्रोटीन सब यूनिट है तो टोटल 52 प्रोटीन के सब यूनिट हैं टोटल 52 प्रोटीन के सब यूनिट हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू वन आर एन ए फर्दर डिवाइडेड इंटू वन आर एन एंड ट्वेंटी वन प्रोटीन्स इन स्मॉल रिबोजोमल सब यूनिट एज नोन एज दर्टी एस यर सब यूनिट की जो ये वाला आप देख सकते हैं रिबोजोम का स्मॉल सब यूनिट की जिसको हम कहते हैं थर्टी एस की जिसके अंदर क्या है एक आर एन ए है वन आर एन एंड ट्वेंटी वन जितने उसके अंदर है प्रोटीन ट्वेंटी वन प्रोटीन तो उससे ये जो रिबोजोम का जो सब यूनिट तैयार होता है उसको हम कहते हैं थर्टी एस सब यूनिट सेकेंड है फिफ्टी एस ये वाला फिफ्टी एस के अंदर आप देखोगे तो टू आर एन ए है टोटल टू आर एन ए है दो आर एन ए यहां पर मैंने लिख लिया एंड थर्टी वन प्रोटीन है और वो जो सब यूनिट तैयार हो रहा है वो 50 एस सब यूनिट अब आप टोटल कैलकुलेशन करोगे तो ये 31 वन प्लस ट्वेंटी तो एक और एक दो और तीन पाँच फिफ्टी हो गए तो ये वाले 52 प्रोटीन और आर देखे तो ये वन और ये दो टोटल तीन आर एन यहाँ पे मैच हो रहे हैं मतलब कि ये जो रिबोजोम्स है उसके अंदर जब आपको एम पूछा जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि जब टोटल प्रोटीन और आरएनए स्ट्रैंड पूछी जाए तो टोटल थ्री आरएनए की उसके अंदर स्ट्रैंड है एंड 52 प्रोटीन सब यूनिट उसके अंदर प्रेजेंट है उसका फर्दर दो तरीके से डिवाइडेड होता है एक यूनिट बनता है छोटा यूनिट स्मॉल थर्टी एस सब यूनिट के जिसके पास आए टोटल ट्वेंटी वन प्रोटीन एंड वन आर एन ए ट्वेंटी वन प्रोटीन एंड वन आर एन ए आए जो कहा गया थर्टी एस और दूसरा पोर्शन जो उसका बना उसके पास आए टोटल थर्टी वन प्रोटीन और उसके पास आए दो आर एन ए तो अब आप देखो दो आर एन ए कौन से है उसके पास ये वाला एक एम आर एन ए एंड सेकंड इज टी आर एन ए लिबोजम का लार्ज सब यूनिट एमाइनो एसिड्स एंड ग्रोविंग पेप्टाइड चेंज अब पेप्टाइड चेंज का वो फॉर्म कर रहे हैं तो बात यहाँ पे क्लियर है कि दे विल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस कि प्रोटीन जो है वो कैसे बने हुए हैं तो पॉलीपेप्टाइड के और ये पॉलीपैप्टैसे फॉर्म होते हैं तो पैप्टाइड बोन के कारण एमाइनो एसिड के कि बहुत सारे अमाइनो एसिड पैप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइंट होकर बनाते हैं और फिर प्रोटीन बनाते हैं तो रिबोजोम का जो फंक्शन है वो बॉडी के अंदर नॉर्मल हमारे बॉडी की भी बात करें तो भी प्रोटीन सिंथेसिस का है एज वेल एज किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जैसे भी प्रोकैरियोटिक के अंदर भी रिबोजोम यही काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का प्लस उसका जो काम है डी कोडिंग द मैसेज तो इसीलिए देखो ये मैसेंजर आ ने जो काम करते हैं कि जो कोई मैसेज आता है कि कोई सिंथेसिस करना है कोई प्रोसेस करनी है रेप्लीकेशन करना है बाइनरी फ्यूजन करना है तो उसके लिए जो मैसेजेस का जो काम करेंगे ये करेंगे ये मैसेंजर आ रहे ने तो डी का भी काम करते हैं ये रिबोजोम अब नेक्स्ट है जीनोम कि जो जीनेटिक मटेरियल की जो हम बात कर रहे हैं तो जीनोम इज एंटायर हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एनकोडेड आइदर इन डीएनए और आरएनए इन वायरसेस तो आरएनए जैसे होता है वायरसेस के अंदर एन डीएनए और आरएनए इन एनी टाइप ऑफ सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जो हेरेडिटरी की जो इंफॉर्मेशन है कि जिसको हम कहते हैं वारसागत लक्षण जो हम कहते हैं आनुवंशिकता जो कहते हैं कि पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती जाती ऐसे ही सेम बैक्टीरिया के अंदर भी होता है कि जो पेरेंट बैक्टीरिया है तो पेरेंट बैक्टीरिया में से जो उसके दूसरे जो बैक्टीरिया बनेंगे कि समझे कि उसको हम कहते हैं चाइल्ड बैक्टीरिया तो पेरेंट बैक्टीरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये चाइल्ड बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होगी थ्रू दिस जीनेटिक मटेरियल जिसको हम कहेंगे जीन जिसके कारण जो ये पेरेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी वही रहेगी ये चिल्ड्रन की लाइक like, समझो कि ये बैक्टीरिया है वो माइक्रो बैक्टेरियम लैप्रे है कि जो लेप्रोसी करता है तो उसके बाइनरी फ्यूजन से जो दूसरे दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो भी माइक्रो बैक्टेरियम लैपरे ही रहेगी और वो भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द डिसीज लैप्रोसी ऐसे ही जो माइक्रो बैक्टेरियम ट्यूबर है तो यह समझो कि टीबी के बैक्टीरिया है वो पेरेंट है तो उसके रिलेटेड जो जीनोम है कि जो टीबी कर सकता है वो ट्रांसफ़र हो होगी ये चिल्ड्रंस के अंदर थ्रू दिस जीनोम, और ये जो चिल्ड्रंस जो नए बैक्टीरिया बनेंगे वो भी टीबी के ही बनेंगे और वो भी आगे जाके रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर ट्यूबरकुलोसिस डिजीज तो ऐसे जो हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन है वो कहां पे स्टोर है तो जीनोम के अंदर तो जीनोम इज एंटर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एनकोडेड आर और आरएनए इन वायरसेस तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल में और एक आपको यहां पे समझाता हूं कि जैसे आपके पास कोई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जो स्टोर होता है डेटा तो वो कहां पे होता है उसके हार्ड डिस्क के अंदर तो हार्ड डिस्क इज इक्वल टू समझो कि जीनोम हो गया कि समझो कि आप नया कंप्यूटर बनाते वक्त समझो कि हार्ड डिस्क कॉपी कर लेते हैं तो कंप्यूटर ए के अंदर जितने भी डेटा हो गए वो कंप्यूटर बी में भी ट्रांसफर हो जाएंगे सो मतलब क्या होगा कि, कि जब आप हार्ड डिस्क के डेटा कॉपी करते हैं तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर ए में थी वही कैरेक्टरिस्टिक्स वही डेटा आपको मिल जाएगा कंप्यूटर बी के अंदर तो ऐसा ही है ये जीनोम का हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए ये काम करते हैं। तो जब सभी इंफॉर्मेशन स्टोर जैसे हार्ड डिस्क के अंदर होती है लाइक दूसरे भी ऐसे डिवाइस है लाइक मेमोरी कार्ड है ड्राइव है कि जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं तो ये डेटा स्टोरिंग का काम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो करता है वो है ये जीनोम तो जीनोम का ये फंक्शन बन जाता है स्पेशली कि किसी भी इंफॉर्मेशन को उसके अंदर स्टोर करे और उसमें भी जो हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन जो हम कहते हैं कि जो आनुवंशिकता के लिए ज़रूरी है पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होने के लिए ज़रूरी है और सभी की इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है आइदर इन डीएनए और आरएनए द नेम जीनोम वॉज गिवन बाय हेंस विंक्लर इन नाइनटीन ट्वेंटी तो ये पॉइंट याद रखो आप मल्टीपल चॉइस क्वेस्चन के लिए कि आप देख सकते ये कोई सेल है तो सेल के अंदर यह उसका क्रोमोजोम प्लाज्मिड है ये क्रोमोजोम तो ये सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है जीनेटिक इन्फॉर्मेशन जिनेटिक्स इंफॉर्मेशन और वही इंफॉर्मेशन जरूरी है फॉर हेरिडिटी कि जब बाइनरी फ्यूजन होता है तब ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होती है दूसरे जो नए चिल्ड्रंस बैक्टीरिया बनते हैं उसके अंदर भी ये ट्रांसफर हो जाएगी और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहती है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस के अंदर तो ये जब एक सिंपल हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं जीनोम के बारे में तो जीनोम के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है कि जीनोम क्या है तो हेरेडिट्री के लिए जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है एनकोडेड होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वो है ये जीनोम की जैसे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क काम करते हैं वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर इंफॉर्मेशन और वैसे भी उसमें भी हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन को एनकोडेड करने का काम जो करते हैं वो कहे जाते हैं जीनोम्स और जीनोम्स के टाइप जानना जरूरी है तो वायरल जीनोम होते हैं प्रोकैरियोटिक जीनोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होते हैं यूकैरियोटिक न्यूक्लियर एंड क्लोरोप्लास्ट जीनोम उसमें प्रोकैरियोटिक के अंदर जो जीनोम होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो कहा जाता है प्रो कैरियोटिक और जो यू कैरियोटिक सेल के अंदर जो जीनोम होते हैं वो कहे जाते हैं यू कैरियोटिक जीनोम उसके एग्जाम्पल है ये न्यूक्लियर जीनोम माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल वो है यू कैरियोटिक के जीनोम और ये वायरल वायरस है तो वायरस का जो जीनोम है उसको कहा जाता है वायरल जीनोम इसीलिए आप देखो जब भी आपको कोई वायरल नया वायरस को आता है और उसके रिलेटेड जब मेडिसिन फाइंड आउट करनी होती है वैक्सीन फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं उसके जीनोम का कि किस टाइप का जीनोम ये वायरस के अंदर प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग टू आप जो प्रीवियसली जो रिसर्च हुए हैं, उसको कंपेयर करके ये जीनोम में क्या चेंज है और उसके साथ अवेलेबल जीनोम के लिए आपने कौन से मेडिसिन डेवलप की थी और अब ये जीनोम में थोड़ा सा चेंजेस है तो उसके लिए हम कौन से टाइप की मेडिसिन बना सकते हैं वैक्सीन डिज़ाइन कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जीनोम की स्टडी करना बहुत ही जरूरी है कि जो एक पूरे इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे कौन से टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर है तो ये है जीनोम्स के टाइप्स प्रोकैरियोटिक जीनोम्स के बारे में जाने तो जीनोम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जनरली इज ए सर्क्यूलर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सर्क्यूलर है जिसको हमने नाम दिया है प्लाज्मिड उसके अलावा डबल स्टैंडेड पीस ऑफ डी एन ए ये वाले डबल स्ट्रेनडेड भी होते हैं जो पे क्रोमोजम प्रेजेंट होता है एंड मल्टीपल कॉपीज ऑफ विच में एक्जिट एट एनी टाइम और इसकी मल्टीपल कॉपीज किसी भी टाइम तैयार हो सकती है तो ये जो क्रोमोजोम है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्लाज्मिड की उसका जो रीजियन बनता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं तो ये देखिए ये बैक्टीरियल डीएनए कि उसकी जो स्ट्रैंड और उसी में से ये छोटा डीएनए तैयार होता है कि जो सर्कुलर शेप में होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स तो बैक्टीरिया हैव ए सिंगल सर्क्युलर क्रोमोजोम दैट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाजम इन ए स्ट्रक्चर कॉल द न्यूक्वाइड कि जो हम न्यूक्लियोइड कहते हैं ये वाला कि बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स जहाँ पे प्रेजेंट है वो पोर्सन या फिर वो रीजियन जो है वह कहा जाता है न्यूक्लियोइड उसके अलावा बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन द स्मॉलर ये वाला स्मॉलर प्लस सर्कुलर और यह भी डीएनए का ही फ्रेगमेंट है जिसको कहा जाता है प्लाज्मिड नीचे भी आप देख सकते हैं प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए दोनों साइड स्कीमेटिकली आप देख सकते हैं दोनों में से जो भी सुटेबल हो वह डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं तो ये सीख लिया आप अपने प्लाज्मेड्स के बारे में एज वेल एज बैक्टीरियल डीएनए एंड न्यूक्लियोइड के बारे में तो प्रोकैरियोटिक जीनोम द लेंथ ऑफ जीनोम वेर वाइडली ऑर्गेनिजम टू ऑर्गेनिज्म इसकी जो लेंथ है वो चेंज होती जाती है बट इज जनरली एटलीस्ट अ फ्यू मिलियंस बेस पेयर इतने छोटे माइक्रोब्स के अंदर भी मिलियंस के अंदर बेस पेयर होती है ये जीनोम की अ फॉर इज द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट तो दिस इज योर मोस्ट आई एम पी एम सी क्यू द डीएनओ प्रो कैरियट इज कॉल विच वन तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑप्शन जीनोफॉर की अलग अलग ऑप्शन में यहां पे देख लू आपके लिए कि क्रोमोफॉर ऑप्शन रखो जी जीनोफॉर लिखो आइसोफॉर लिखो एनिसोफॉर लिखो तो उस वक्त जस्ट कंफ्यूज करने के लिए फोर वाले चार अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हैं उस वक्त आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि ए बी सी डी है तो ये बी वाला ऑप्शन जीनो फॉर वो आप सिलेक्ट करेंगे डीएनए ऑफ प्रो कैरियोट्स और प्रो कैरियोटिक सेलो प्रो जीनोम इज इज ए सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड पीस ऑफ डीएनए कि जिसको डी एस डीएनए कई बार हम लिखते हैं डबल स्टैंड और जो सिंगल स्टैंडर्ड हो तो एस एस लिखते हैं एस एस डीएनए यहां पे भी ऊपर भी ए आएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसको डीएस डीएनए कहते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड हो तो डबल एस डीएनए लिखते हैं हम कॉमनली रिफर टू एज ए न्यूक्लियोइड और वो जो पोर्शन है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं ये आप देख सकते हैं कि ये आपका क्रोमोजोम कि जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियोइड और एक और उसका पोर्शन की जो सर्कुलर है वो छोटा डीएनए है वो न्यूक्लियोइड लेंथ वेरीज वाइडली बट इज़ जनरली फ्यू मिलियंस बेस पेयर कि जो भी हमने बात की कि लेंथ जो है वो वेरीज करती है बट जनरली फ्यू मिलियंस बेस पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है तो न्यूक्लियोइड इज़ ए कंपोज ऑफ 60% परसेंट डी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एंड प्रोटीन तो जो न्यूक्लियोइड है तो न्यूक्लियोइड के अंदर क्या है 60% परसेंट जितना रहता है डी अब बाकी समझो कि रहता है 40% परसेंट का पोर्सन तो ये 40% परसेंट में आर भी आ जाएगा प्लस प्रोटीन भी उसके अंदर मिक्सअप होगा तो ये था न्यूक्लियोइड कि जिसका कंपोजिशन आपने जान लिया वो भी काफी इंपॉर्टेंट है अलग अलग एम के लिए आगे सीखते हैं अब कि न्यूक्लियोइड प्रोटीन हेल्प टू मेंटेन द सुपरकॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अब ये देखो बैक्टीरियल डीएनए है ये वाला तो उसको मैं इस तरह से ज़ूम करके आपको दिखाता हूं तो वो बन जाता है एक सुपरकॉल्ड स्ट्रक्चर कि जिसको हम कहते हैं सुपर कोल्ड स्ट्रक्चर तो ये वाला पॉइंट में आपको अब अच्छे से समझाता हूँ फिर से देखिए कि ये वाला हमारा बैक्टीरियल डीएनए तो उसकी जो स्ट्रैंड तैयार होती है वो होती है सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो यही डायग्राम को हम समझो कि यहाँ पे थोड़ा सेपरेट करके आप देखते हैं उसको अलग अलग उसकी ये यह जो यहाँ पे क्या है जैसे कोई गुच्छा हो उस तरह से वो मिक्सअप हो गया है पूरा अब उसको सेपरेट थोड़ा सा हम करके देखते हैं तो इस तरह का उसका ये देखते हैं कि जिसके अंदर ये वाला एरिया है वो कर्व डी एन बिकॉज ये जो है यहाँ से कर्व बन रहा है उसका ऐसे फिर यहाँ पे उसकी सुपर कॉयल बन रही है ऐसे ये एक कॉल तैयार हुई ये वाली कॉइल तो ये है टोराइडल कॉयल जिसको कहते हैं हम टोराइडल इल उसके बाद देखिए आप ये साइड में आ, प्लिक्टोनेमिक सुपर ये इस तरह की बन रही है ये वाली प्लिक्टोने ये वाला कर्व डीएनए होगा ये भी कर्व है उसका फिर यहां पे आप देखेंगे नीचे की ओर तो ये भी सेम टेरोइडल सुपर कोयल बनेगी ये वाली टेरोइडल सुपर कोयल फिर यहाँ पे आर एन ए पॉलीमरिस है यह है आर एन ए और उसका आर एन ए पॉलीमरिस तो जैसे ये प्लिक्टोनेमिक सुपर कोयल ये थी उसके सामने एक और देख सकते हैं आप ये प्लिक्टमिक सुपर कोइल तो ऐसे सुपर कोयल्स कोयल एक दूसरे के साथ अटैच होती है या फिर सेपरेट भी होती है और ये पूरा जो समझो कि मैं यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर दूँ ये जगह पे तो इस तरह से वो सेटअप हो जाएगी रैंडमली तो ये है न्यूक्लियोइड प्रोटीन्स तो ये जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कौन हेल्प करता है तो ये है कि जो न्यूक्लियोइड का जो प्रोटीन होता है वो हेल्प करता है टू मेंटेन द सुपर कोल स्ट्रक्चर कि इसलिए हमने देखा कि उसके अंदर न्यूक्लियोइड के अंदर 60% परसेंट डी है और बाकी का आर एन एंड प्रोटीन प्रेजेंट है और जो प्रोटीन है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड प्रोटीन और वो प्रोटीन हेल्प करता है ये सुपर कोयल्ड स्ट्रक्चर को डेवलप होने में तो ये है सिंपल न्यूक्लियोइड के बारे में इंफॉर्मेशन तो टू स्ट्रक्चर्स टोराइड एंड प्लेक्टोनिम ये देखिए डल सुपर कोयल ये नंबर वन ऐसे ही आप यही के अंदर आइडेंटिफाई करिए तो ये वाला सेकंड तो ये हो गई टोराइडल दो फिर प्लेक्टोनेमिक सुपर कोइल तो ये वन और ये वाली एक और तो ये सेकंड तो दो हो गई प्लेक्टोनेमिक सुपर कोइल और दो हो गई ये टोराइडल सुपर कॉइल तो इस तरह के टू स्ट्रक्चर्स टोराइड एंड प्लेक्टोनिम जिसको प्लेक्टोनिम या फिर प्लेक्टोनेमिक कहा जाता है सो so, इन प्रो कैरियोइट्स प्लेक्टोनेमिक सुपर कोयल्स आर प्रीडोमिनेंट जिसमें से ये प्री प्लेक्टोनेमिक है वो कैसी है प्रीडोमिनेंट है बिकॉज ऑफ सर्क्यूलर डी एन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ जीनेटिक मटेरियल तो ये प्री बन जाती है कि जिसके बिकॉज उसके पास सर्क्यूलर डी एन है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ जीनेटिक मटेरियल अब देखते हैं यही सेल की डिटेल समरी देख लेते हैं तो दे आर स्मॉल इन साइज कि जैसे हमने देखा जीरो uh, से लेकर दस माइक्रोमीटर की साइज रेंज उसकी बन जाती है स्मॉल इन साइज कंटेन सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम कॉल्ड प्लाज्मेड एंड बैक्टीरियल डीएनए दे आर हैप्लॉइड हैप्लॉइड ये वाले कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो वन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम यहां पे पेयर नहीं है प्रोकैरियोटिक के जो क्रोमोजोम है वो सिंगल है कि एक वन क्रोमोजोम ये वाला वन ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड जबकि डायप्लॉइड के अंदर ये पैर में होते हैं कि ये वन टू और थ्री तो वो एन है तो ये वन प्लस वन बन जाते हैं ऐसे ये टू प्लस आ, ये सेकंड क्रोमोजम है तो वो भी वन प्लस वन है और तीसरा क्रोमोजम भी वन प्लस वन है तो सभी पैर में होते हैं कि जिसको टू एन कहते हैं जबकि हेप्लॉयड है वो होते हैं र सिंगल दीज आर दिंगल और दीज आर इन ए पैर तो डाइप्लॉइड मतलब की पैर है मतलब की सिंगल सो डीएन इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन की जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते इसमें से हिस्टोन प्रोटीन के साथ डी एन ए एसोसिएटेड नहीं होता और कंडेंस इन न्यूक्लियोइड वाया डी एन ए सुपर कोइल कि न्यूक्लियोइड के अंदर कंडेंस होते हैं ये इस तरह से कि ये जो सुपर कॉइल्स तैयार होती है जो हमने जाना आ, कि जो डीएनए की सुपर कॉइलिंग हम कहते हैं उससे वो कंडेंस होते हैं न्यूक्लियोइड के अंदर तो ये है सिंपल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रो सेल की जिसके हमने जीनेटिक मटेरियल के बारे में भी जाना प्लस जो उसके अंदर जो बेसिक नॉर्मल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस की सो वीडियो लेक्चर्स हमारे अच्छे लगते हैं आप तो लेक्चर को जरूर से लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फार्मर हाउस के जो व्हाट्सएप ग्रुप से वो भी ज्वाइन करिए बाय सेंड योर नेम एंड सिटी नेम तो आपको क्या करना है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तो यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है तो मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स तो क्या करना है आपको आपका नाम लिखना है सिटी नेम लिखनी है एंड व्हाट्सएप करना है ऑन दिस नंबर नाइन फोर टू सिक्स वन एट एट थ्री सिक्स ये नंबर को आप एज अ फार्मर ऑक्स सेव कर सकते हैं और आपका नाम लिख दीजिए कि नाम समझो कि आपका है रमेश और सिटी नेम है आपके कानपुर तो रमेश कानपुर बस इतना लिख कर व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा और वो लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए कि जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे सभी वीडियो लेक्चर्स की और लेटेस्ट हमारा मोबाइल एप्लीकेशन वो भी यूज़ करिए कि जिससे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वीडियो लेक्चर पी डी पी पी टीज स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलता रहेगा ऐप ऊपर तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर एंड एप्पल आईफोन ऐप अवेलेबल है ऐप स्टोर ऊपर तो दोनों की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी कि जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलता है प्रॉपर फॉर जीपैट नाइपर डी आई फार्मासिस्ट एग्जाम टेस्ट सीरीज मिल जाती है सेम एग्जाम के लिए वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल के दोनों ऑप्शन रहते हैं पी डी एफ एज वेल एज प्रिंटेड तो टेस्ट सीरीज में भी जस्ट अफोर्डेबल प्राइस है हंड्रेड वन ईयर का इज लाइक ट्वेंटी एट पैसा पर डे एम सी क्यू का सोल्यूशन मिलता है आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस एंड इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट मिल जाता है एंड रैंक भी जनरेट होगा बेज ऑन योर परफॉर्मेंस तो ये सभी फैसिलिटीज को यूज करने के लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज करिए जिससे आपको ये अलग अलग फैसिलिटीज मिल जाएगी और दोनों प्लेटफॉर्म पे ऐप अवेलेबल है एंड्रॉयड एज वेल एज आईओ तो जो एप्पल आईफोन यूजर है उसको भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज एंड्रॉयड यूजर्स को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी एंड्रॉयड ऐप की तो गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पर से ही आपको ऐप आप डाउनलोड करनी है तो सेफली आप ऐप को डाउनलोड कर पाओगे एंड एक्सेस कर पाओगे इन योर मोबाइल सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट